नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, राजस्थान की प्रमुख गुफाएं। राजस्थान की प्रमुख गुफाओं में से एक ने क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो मित्रों, आप लोगों को ये निश्चित रूप से कर लेना है याद जो मैं आज बता रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 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 पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों। और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो है और एक शॉर्ट वीडियो के साथ आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख गुफाएं। साथियों बताइए, गुरु बालीनाथ की गुफा, गुरु बालीनाथ की गुफा कहाँ पर है? तो गुरु बालीनाथ की जो गुफा है मित्रों, वो मसूरिया पहाड़ी जो अजमेर में पड़ती है, कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी अजमेर में गुरु बालीनाथ की गुफा है। फिर है साथियों संत पीपा की गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा रायसिंह टोंक में भी है, और मित्रों गागरौन झालावाड़ में भी संत पीपा की गुफा मिलती है। तो टोडा रायसिंह टोंक में और गागरौन झालावाड़ में भी संत पीपा की गुफा हमें देखने को मिलती है। तो कोई शक और संशय की बात नहीं है मित्रों, एक ने एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। फिर अगली गुफा आती है भरतहरि की गुफा। जो भरतहरि की गुफा है मित्रों, वो है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पड़ती है? पुष्कर अजमेर में। भरतहरि की गुफा कहाँ पर पड़ती है? पुष्कर अजमेर में पड़ती है। मैं गुफा की बात कर रहा हूँ साथियों, इस बात का ध्यान रखिए। अलवर में भी है, सरिस्का के अंदर, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाथी या चंपा की जो गुफा है ये कहाँ पड़ती है? माउंट आबू सिरोही के अंदर हाथी या चंपा की गुफा देखने को मिलती है। साथियों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी या चंपा की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू सिरोही में ये गुफा है, लिख लेना एक रजिस्टर में। बहुत शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, बहुत अच्छे वीडियो रहेंगे साथियों ये, ठीक है। कोलवी या खोलवी की गुफा, आप सबको पता है कोलवी या खोलवी की जो गुफा है ये झालावाड़ राजस्थान में मिलती है, और राजस्थान झालावाड़ को राजस्थान का एलोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का एलोर। कोलवी या खोलवी की जो गुफा है झालावाड़ में है, और इसको राजस्थान का एलोर कहा जाता है। अगली बात करेंगे यहाँ पर मित्रों, छठे नंबर पर गुप्तेश्वर महादेव गुफा। गुप्तेश्वर जो महादेव की गुफा है साथियों, वो उदयपुर में हमें देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलती है, और उदयपुर को साथियों मेवाड़ का अमरनाथ भी इसको कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा जो है वो उदयपुर में है, और इसे उदयपुर का या मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करेंगे मायरा की गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलती नहीं है हर जगह पर, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो मायरा की जो गुफा है वो गोगुंदा में मिलती है, और गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। याद रखना इस बात को कि जो मायरा की गुफा है वो गोगुंदा में है, गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में है। और मित्रों इसे राणा प्रताप का शस्त्रागार भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को, राणा प्रताप का शस्त्रागार भी कहा जाता है मायरा की गुफा में, यह है। अगली बात आती है रणमुक्तेश्वर गुफा। रणमुक्तेश्वर जो गुफा है मित्रों, ये हल्दीघाटी राजसमंद में पड़ती है। और अगली गुफा आती है होली की बहन डुंड की गुफा। होली की बहन डुंड की गुफा जो है वो गलताजी जयपुर के अंदर है। गलताजी आप समझते हो, गलताजी कहाँ पर है? जिसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये जयपुर में, और वहां पर होली की बहन डुंड की गुफा भी हमें देखने को मिलती है। हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा साथियों आपको। अगली बात करेंगे झामेश्वर महादेव मंदिर की जो गुफा है, झामेश्वर महादेव मंदिर की गुफा कहाँ पर है मित्रों? उदयपुर में मिलती है, देखने को कहाँ पर मिलती है? उदयपुर में, याद रखना। आगे बात करते हैं तिलकेश्वर महादेव की गुफा जो है ये भी कहाँ पर है? तिलकेश्वर महादेव की गुफा कहाँ पर है? उदयपुर में है। एक मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पातालेश्वर की जो गुफा है वो कहाँ पर है? मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, पातालेश्वर की गुफा कहाँ पर है मुझे कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं थी जो भी राजस्थान में पूछी जाती है,
बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको जरूर याद आप लोगों को करना है। मित्रों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़िए चैनल से। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे राजस्थान से संबंधित। अभी मैं इस चैनल पर आप सबको बता देता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास की मॉर्निंग में क्लासेज आती है और इवनिंग में जो है क्वेश्चन वाली क्लासेज आती है, साथ में जो व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी क्लासेज आती है। तो आप जुड़िए चैनल से, बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।